खाने पीने के लिए दिया और ORS का घोल। अरे नहीं नहीं नहीं, मुन्नी का खाली पेट रहेगा तो जल्दी ठीक होगा। अरे सेठ ही आ गई हो? क्यों, क्या हो गई? रात से मुन्नी को दस्त हो रहा है, ना खाने पीने के लिए दी और ना ही ORS का घोल पिलाई। माया, तुम्हें कितनी बार बताए हैं ORS के घोल के बारे में, फिर भी तुम ना समझी हो। मुन्नी है ना, इसलिए मुन्ना होता है तो सारा घर सर पर उठा लेती। अरे जा, एक लीटर उबला हुआ पानी ठंडा करके ला। सुन, साथ में कटोरी चम्मच और गिलास भी लेते आना। अच्छा ठीक है दीदी। रे माया सुन, हाथ भी धो लेना। जी दीदी। याद है ना दीदी कि हाथ कैसे धोएंगे, कि वो भी भूल गए? हाँ याद है दीदी, सब याद है। पूरे 7 तरीका से हाथ धोऊंगी दीदी, अंगूठा कलाई नाखून सब साफ करूंगी दीदी। चलो दीदी, तुम्हें कुछ तो याद है, ठीक है जाकर जो हाथ धो लो और हाथ धोकर जो भी सामान हम बोले थे वो लेके आओ दीदी। ठीक है दीदी। अल्लाह, सब सामान हम लेके चले लियो। ठीक है दीदी, तो हम भी हाथ जीरे धो के आते हैं। कौची देखा हो दीदी? तारीख देख रहे हैं दीदी। तारीख कौची का कहा है दीदी? दीदी इसमें एक तारीख होता है, जब तक इस तारीख रहता है दीदी तब तक हम घोल तैयार कर सकते हैं। जब इसका तारीख खत्म हो जाएगा तब इस पैकेट को हम हटा देंगे या फेंक देंगे, फिर नया दूसरा पैकेट लाकर हम घोल तैयार करके बच्चा को देंगे। दूसरा बार बता रही हो दीदी कि ORS का घोल कैसे बना के बउआ को पिलाएंगे, और फिर दीदी भूलाई है मत ई बात के। तो आए दीदी, ORS कौची के कहा है दीदी, जब बार बार कहो भूलैया नहीं भूलैया नहीं। जब दस्त होबा है दीदी तो बार बार पैखाना होबा है, और जब बार बार पैखाना होबा है तो बउआ के शरीर से पानी गिर जा है,
तो पानी गिर जाए दीदी तो ओकर पूर्ति करे लगी हम ओ आर एस के घोल बनावे ही, घोल बना के बउआ के पिलावे ही। और जब हम एक दुए तीन पखाना होवे दीदी वही समय से हम घोल बना के पिलावे ला शुरू कर देवे। ओ आर एस के घोल देवे से दीदी बउआ के शरीर में जो पानी के कमी रहा है वो पूरा हो जा है और बउआ कमजोर ना होवा है। और फिर कुछ यही घोल ना देवे से दीदी बउआ के जान पर खतरा होवा है। अच्छा, ये पैकेटवा में इतना फायदा है दीदी, यही से बार बार कहा लू कि नहीं भूला नहीं भूला। अच्छा दीदी, पैकेटवा मिलती कहाँ? ये ओआरएस के पैकेट दीदी अपन आशा दीदी ही मिल जा है। अच्छा, और फिर सरकारी अस्पताल है ना दीदी? हाँ हाँ। स्वास्थ्य केंद्र वहाँ भी मिल जाए। अच्छा। और दोनों जगह दीदी मुफ्त में ही मिला है। अच्छा दीदी, तेरा बनाई भी कैसे? अच्छा लाओ दीदी, हमें ओ आर एस के घोल बना के बता दे ही हो। एक पैकेट घोल घोला घोरे में दीदी कितना पानी लगती दीदी? एक पैकेट घोल घोलने के लिए 1 लीटर पानी लगता है दीदी। एक साफ बर्तन लेंगे, 1 लीटर उबला हुआ पानी ठंडा करके लेंगे, 1 लीटर पानी में 1 पैकेट ओ आर एस पाउडर को मिलाना है। लो ओआरएस का घोल तैयार हो गया। लो मुन्नी उठ गई है, ओआरएस का घोल पिला दो इसे। आ मुन्निया। ना इसके लिए मैं निकाल देती हूँ। लो इसे जल्दी से पिला दो। अच्छा ठीक है, मुन्नी को इसी तरह थोड़े थोड़े पिलाते रहना दस्त होने पर। मुन्नी जितना पीना चाहे उसे प्यार से पिलाइए। बच्चे को दस्त होने पर आंगनवाड़ी सेविका या आशा दीदी से तुरंत मिलिए। अच्छा है दीदी। है दीदी, ये घोल कितना देर तक रखे दीदी? इस घोल को 24 घंटा ही उपयोग करना है, बच जाने पर फेंक देना है, ताजा घोल बना लेना है। ठीक है दीदी, मुन्नी के ओ आर एस के घोल भी पिलाऊंगी और खाना भी खिलाऊंगी। ठीक है मुन्नी का जरा ध्यान रख, मैं अब चलती हूँ। ठीक है दीदी, धन्यवाद। एमिया रसोई घर में पानी धैले ओवालल, ठंडा हो गलो तो लेते आवा। ला पानी ठंडा हो गया, ले लियो। ए मिया एक कमाओ कर दे मिया, ओ वायरलेस के पैकेट धैला या वो बर्तन वहीं पर धैले जी, ले ले आवा। अच्छा ठीक है, हम ला दे। एक बेटा दादी आ गेल थी। ले देखो कल्हे वाले तो घोरल का धैले ना हलो ओआरएस के घोलवा। कल्हे वाला घोरवा है ना मिया, जो 24 घंटा के बाद फेंका जीता है दूसरा घोर घोरत। अच्छा अब ऐसा नियम हो गए है? हाँ मिया, और नियम है बउआ के बीमारी से बचावे के। बउआ के खाना बनाने से पहले, खिलाने से पहले, ओ आर एस के घोर बनाने से पहले साबुन से हाथ धोना जरूरी है। अच्छा, हम हाथ धो करके तो सब सामान लेवे के लिए अब जा, तू धो के आवा। लावा मुन्नी के हम पकड़ियो, तू कल के ओ आर एस घोरल फेंक दा और है जो कि हाथ धो के चला बा साबुन से। अच्छा सही तरीका से आवा ना ओ आर एस के घोल बनावे ला? हाँ मिया, कल है अर्चना दीदी सिखेल की ना, पूरा याद है। देखो मिया, 1 लीटर पानी ने 1 पैकेट ओआरएस मिलाना है। देखो मिया, 1 लीटर पानी ने 1 पैकेट ओआरएस डालल जा है, और बढ़िया से मिला दे। देख लो मिया,
कितना आसान है ओआरएस के घोर बनावे में, मुनिया के अब थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है ओआरएस के घोल बनावे में। तू तो ना रहू तयो ओआरएस के घोल बना के दस्त होए पर मुनिया के पिला सके। लावा मिया, अब मुनिया के घोर पिला दे। अरे माया, मुनिया कैसी है? ठीक ठाक है ना? हाँ दीदी, मुनिया बिल्कुल ठीक है। अरे ला जरा मुनिया को देखे। मेरी मुनिया ठीक हो गई है। याद रखें, दस्त को नजरअंदाज ना करें। जब भी बच्चे को दस्त हो तुरंत ओआरएस का घोल पिलाना चाहिए। एक बार बने घोल को 24 घंटे के बाद इस्तेमाल ना करें और तुरंत आशा या आंगनबाड़ी सेविका से मिलें। और हाँ, बच्चे को दस्त ना हो इसलिए खाना बनाने के पहले या खाना खिलाने के पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो लें। खाने और पीने के पानी को ढक कर रखें। गर्म और ताजा खाना खाएं। कमल जब भी साफ करें तो हाथ साबुन से धो लें। अपने घर और आसपास के जगह को साफ सुथरा रखें। बच्चे को पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान कराएं। बच्चे का टीकाकरण समय से कराएं। सब याद रहा ना दीदी? हाँ दीदी। ठीक है, चलती हूँ। मुनिया का ध्यान रखिए। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी।